हेलो क्यूरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स वाले से रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आपने चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। एक्वेरियस, व्हाट आर एक्वेरियस पार्टनर करंट फीलिंग्स, व्हाट आर एक्वेरियस पार्टनर करंट फीलिंग, व्हाट आर एक्वेरियस पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। ओके, सो अंडरनीथ आपके पास है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और देखते हैं कि अदर कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। चैरियट, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, जजमेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ कप। ओके, अंडरनीथ आपके पास है द मैजिशियन, इज एट ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो आपके पार्टनर कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं। सो आपके पार्टनर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट कोई मैनिपुलेटिव है जो कि जिसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच उस पर्सन से हो रहे हैं। कोई पर्सन है जो अपने मुफाद के लिए सिचुएशन में रद्दबदल कर सकता है या कुछ ऐसी बातें कर सकता है जो कि मैनिपुलेटिव हो, लाइक झूठ सच वाली सिचुएशन कर सकता है, और जिसकी वजह से आप इमोशनली डिटैच फील कर रहे हैं। कोई एक पर्सन है जो मैनिपुलेटिव है और वो पर्सन बहुत सी ऐसी बातें बोल रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि कोई मैनिपुलेटिव है, या फिर आपके पार्टनर मैनिपुलेटिव हो रहे हैं किसी सिचुएशन में। सो यहाँ पे ट्रैवल एनर्जी है, या तो आप मूव फॉरवर्ड, आपके पार्टनर मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, या इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, और लेकिन वो इस सिचुएशन में के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं वो हो नहीं रही, वो उनमें कुछ चैलेंजेस और रुकावटें उनके दरमियान उनके रास्ते में हैं। या तो कुछ चीज़ें उनको ठीक करनी है तो जाके सिचुएशन आगे बढ़ सकती है, अदरवाइज़ नहीं बढ़ सकती। इसलिए ये इनके लिए चैलेंज है कि वो अमेंडमेंट्स नहीं करना चाहते, वो जस्ट क्लियर कट सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। उनके माइंड में रिकन्सिलिएशन है, वो रिकनसाइल करना चाहते हैं, मैं दोबारा से अगेन मीटअप करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। सो लाइक रीयूनियन एंड रिकन्सिलिएशन उनके माइंड में है, आपके पार्टनर के माइंड में रीयूनियन एंड रिकन्सिलिएशन है। बट यहाँ पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो कुछ चीज़ें हैं जिनको पूरा होना ज़रूरी है फ्रॉम योर साइड, आपके साइड की तरफ से, या फिर उनकी साइड की तरफ से, तो ही जाके ये सिचुएशन आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज यहाँ पर जस्ट कम्युनिकेशन और हार्श कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ, और चीज़ें मूव फॉरवर्ड उसी वक्त होंगी जब अमेंडमेंट्स होंगी। अगर वो हो सकता है जो भी मैनिपुलेशन और लाइज और झूठ हैं वो उनको ठीक करने की ज़रूरत है यहाँ पर, तो जाके सिचुएशन में बैलेंस आएगा या रिकन्सिलिएशन हो सकती है। अदरवाइज़ लाइक इमोशनल फुलफिलमेंट उनको मिलेगी जब वो जो भी मैनिपुलेटिव चीज़ें हैं उन्होंने की हुई हैं, हो सकता है कुछ झूठ बोले हैं, कुछ ऐसा कुछ बात को बना बना के बोला है, या उन्होंने फॉल्स प्रॉमिसेस किए हैं, तो उनके हवाले से अगर पूरा कर दिया जाए तो चीज़ें ज़रूर मूव फॉरवर्ड हो सकती हैं। हो सकता है आपकी तरफ से कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस हैं जो किए गए हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे, और उनके माइंड में तो है रिकन्सिलिएशन, बट रिकन्सिलिएशन भी उसी वक्त पॉसिबल है जब आप कोशिश करें, या फिर आप इसलिए वो बहुत मेहनत करें रिकन्साइल करने के लिए, बट ऐसा हो नहीं रहा।
उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और हो सकता है वो इसमें कामयाब भी हो जाए आगे जाके कामयाब हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि इसका आउटकम क्या होता है पाइसेस फॉर एक्वेरियस पार्टनर। हो सकता है उनको डिसअपॉइंटमेंट हो, वो जिस चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, और यहाँ पे झगड़े फसाद वाली सिचुएशन भी हो सकती है। नो कम्युनिकेशन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो कोई आपके पर्सन जो है वो ब्लॉक भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन को, या फिर आपकी तरफ से ब्लॉकेज मिल सकता है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट और डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। बट वो अपने आप में एक बोल्ड एक्शंस ले रहे हैं, और ये हो सकता है ये आप हों या फिर आपके पार्टनर की ये कंडीशन हो कि वो एक बोल्ड एक्शन ले रहे हैं, एक बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं। सो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के हवाले से। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।